पुरानी रंजिश के चलते गांव बद्रोला में जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष के चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घायलों को गंभीर अवस्था में बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल का है, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायलों का आरोप है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पहले भी उनका झगड़ा हुआ था और उसी बात की रंजिश रखते हुए उन पर हमला बोल दिया गया, जिसमें उनके चार लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बद्रोला गांव से आए हैं, तीन लोगों को सर में चोट है, जिनमें एक महिला भी है। जिनमें एक महिला भी है, तीनों को काफी ज्यादा चोट है। क्या लग रहा है कि शीशे लगी हुई है चोट? ये चोट किसी लोहे की रोड या ऐसे किसी हथियार से लगी है और हमने MLC बनाकर उनको सूचर्स लगाकर और जो प्राथमिक चिकित्सा देकर और आगे के लिए रेफर कर दिया। पुलिस को सूचना दे दी? हाँ जी, पुलिस को सूचना दे दी। डायल 112 से हमें सूचना प्राप्त हुई थी, हम मौके पर गए थे। जो हमें हॉस्पिटल से सूचना मिली कि इंजर्ड या दाखिल है, तो हम रुक के को लेकर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जी, कौन कौन इंजर्ड है, कितनी चोट लगी हुई है? इसमें चार इंजर्ड हैं टोटल और अभी मौके पर तीन ही हैं। चार हैं, चौथा कहाँ गया? चौथा यहीं है, मिल्ची कटवा रहे हैं। गया हुआ कहीं तो पता लगा है क्या रंजिश थी इनके पीछे? इनके पहले से ही कोई मुकदमेबाजी आपस में चल रही है, उस कल शाम को गाड़ी को पार करने के ऊपर इनकी लड़ाई चल रहा है। पुरानी रंजिश का मामला कह सकते हैं? पहले ही दूसरी पार्टी ने इनके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करा रखा है और उसी को आपस में रंजिश के चलते हो रही है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस उनमें तीन अरेस्ट कर रही है। पहले